बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू द शामिन फूड किचन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल शामिन फूड किचन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी। वाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप पास्ता, 1 टेबलस्पून मक्खन, 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 कप गाजर, मैंने यहाँ पे ऑरेंज ली है, 1/2 कप शिमला, इसको मैंने ऐसे क्यूब्स में काट लिया है, और 1/4 कप यहाँ पे हमने क्रॉन लिए हैं। मैंने यहाँ पे कर्ली पास्ता यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी किस्म का किसी भी शेप का पास्ता यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं पास्ता को बॉयल करूँगी। पास्ता बॉईल करने के लिए पैन में 3 कप पानी डालेंगे। और फ्लेम ऑन कर देंगे। पानी के अंदर 1/2 टेबलस्पून सॉल्ट और 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिए और पानी को बॉयल आने देंगे। पानी में बॉयल आ गया, इसके अंदर पास्ता डाल देंगे और इसके अंदर चम्मच हिला देंगे ताकि पास्ता आपस में चिपके नहीं। पास्ता बॉइल्ड हो गया, देखें बहुत अच्छा बॉइल्ड हो गया, इजीली टूट रहा है। अब इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे। पास्ते में से पानी निकाल लिए है। पैन लिए है, फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है और इसके अंदर 1 टेबलस्पून बटर ऐड कर दिए। बटर को मेल्ट कर लेंगे। बटर मेल्ट हो गया, अब इसके अंदर शिमला, कटी हुई गाजर और कॉर्न ऐड कर देंगे। और इनको बिल्कुल लाइट सा फ्राई कर लेंगे। इतना का फ्राई करना है कि ये सॉफ्ट हो जाएं। अब इसके अंदर नमक डाल देंगे, ब्लैक पेपर और इनको मिक्स कर लेंगे। इसमें चिली सॉस डाल दिए और सोया सॉस ऐड कर देंगे। इनको ऐड करने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको 5 मिनट्स के लिए कुक करेंगे। पाँच मिनट हो चुके हैं और वेजिटेबल अच्छी तरह से कुक हो गई हैं। अब इनको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। वाइट सॉस मैंने पहले ही रेडी कर ली है, लेकिन इसकी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पर जाके शामिन फूड किचन पर जाके वाइट सॉस की रेसिपी को सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक शेयर कर दूँगी। हमारी वाइट सॉस बिल्कुल तैयार है। अब इसके अंदर पास्ता डाल देंगे, पास्ता डाल के मिक्स कर दिए। पास्ता मिक्स करने के बाद अपने जो सब्जियां रेडी की थी वेजिटेबल्स वो डाल देंगे और उनको भी मिक्स कर देंगे।
एंड वेजिटेबल और पास्ता सब मिक्स हो, वेजिटेबल और पास्ता अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं। हमारे वाइट सॉस पास्ता बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। इसके ऊपर अब ऑरेगानो ऐड कर देंगे, इसे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। हमारी वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी बिल्कुल तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं आपको कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में ही बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक फ्री पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।